अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं सलाई मेहरूमी चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज गॉसिप की शक्ल में, गपशप की शक्ल में हम आपसे ओवर अ कप कॉफी बात करेंगे। खबरें बहुत सी हैं और इसमें हमें इंतखाब करना होगा कि हम एक मिनिमम वक्त में क्या कुछ आपको बता सकते हैं। तफसीलात EOBI की हवाले से भी हैं, PTCL के हवाले से भी, और दूसरे जो नेशनल बैंक और दीगर बैंक्स के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दें। नाज़रीन, सबसे पहले हम EOBI की बात जो है वो कर लेते हैं, और वो बात कुछ इस तरह होगी कि जैसा कि आपके इल्म में है कि ये तो हमने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने EOBI के बारे में क्या एक्शन लिया है। इस हवाले से वजाहत मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये मामला जो है ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि ये अरसा दराज से जो अदारों में करप्शन है उस हवाले से किसी ज़माने में सो मोटो एक्शन दिया गया था, और ये उसी का ही सारा एक तसलसल है। और इसमें अशरफ साहब, जैसा कि हमने बताया था, उन्होंने की थी, और इस हवाले से एफवा का एक अपना स्टैंड हमेशा रहा है, और ये इन लोगों की अपनी स्ट्रगल रही है, ये लोग भी इस पर पहरा देते रहे हैं और इस करप्शन को हमेशा आशकार भी करते रहे हैं। और अशरफ साहब जो है वो बतौर पिटिशनर, उन्होंने जो जो लास्ट डेट हुई है उसकी मैंने आपको मुख्तसर सी तफसील भी बता दी थी। अब मैं मुख्तसर मगर जामिया आपको सिर्फ ये सुनवा देता हूँ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि असल मामला क्या है। और ये चूंकि कॉपीराइट का इशू है, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको मुकम्मल सुनाएं। नाज़रीन, ये तो मामला हो गया EOBI के हवाले से। मुख्तसर मगर जामिया हमने टीवी रिपोर्ट की ऑडियो आपकी खिदमत में पेश कर दी है, जिससे मामला बिल्कुल वाज़ह हो गया है, और इसके एक बड़े आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं नाज़रीन, आप यकीन कीजिए। और इसमें जो है ना, अब फुर्ती आ गई है, क्योंकि अभी जायदाद का तखमीना भी लगवाना है और दूसरा अमूर भी पड़े हैं, और अब जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कि वक्त पै गया है, तो अब इन्हें EOBI को जो है ना वो वक्त पड़ा हुआ है कि अब हम जल्द अज जल्द ये रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि अगली डेट भी फिक्स हो गई हुई है। ये बात हो गई EOBI की। अब हम बात कर लेते हैं PTCL की। PTCL में जो बैलेंस मैसेज होता है वो मैं ज़रूर इत्तफाक़ो इत्तेहाद की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए वो ज़रूर मैं शेयर करता हूँ, तो मुकम्मल तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इज़हार साबिर साहब जो YouTube भी चलाते हैं और बड़ी मुखलिसाना तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं, उनका ये पैगाम है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे पेंशनर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हम पेंशनर्स अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की ताकत रखते हुए इस कॉज के साथ मुखलिस हैं? दोस्तों, ये अपनी काज के साथ मुखलिस हैं, ये सवाल बहुत अजीब है, क्योंकि असल में होता तो ये है कि हर मजलूम अपने हक के हसूल के लिए मुखलिस होकर कोशिश करता है। वैसे जाती तौर पे मैं इनकी बात जो है ना उसे आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत जो है वो असल सही ट्रैक पे करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। असल में होता ये है कि हर मजलूम अपने हक के लिए मुखलिस होकर कोशिश करता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अपने हकूक के लिए खुद आवाज़ बुलंद करने की बजाय दूसरों पर इनहसार करते हुए उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे हकूक हमें मिलेंगे। ऐसा तो कभी दुनिया की तारीख में हुआ ही नहीं कि मजलूम व महकूम खुद आवाज़ ना उठे और इसका हक कोई और ले ले लेकर दे। अपने हक को पाने और हासिल करने के लिए हर मुतासिर फ़र्द या कौम को खुद उठना पड़ता है।
जब वो खुद अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तब दूसरे इनकी मदद के लिए साथ आया करते हैं। हम 2010 से इसी आस और उम्मीद में जी रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा और हमारे हकूक में हमें दिलवाएगा, लेकिन ना एक अरसे से कोई मसीहा आया और ना ही आने वाला है। आपने लीडरान को चंदे की मद में कसीर रकूम भी देकर देख ली, लेकिन मसला जू का तू है। और आपको ये भी इल्म हो चुका है कि अब जो कुछ डिमांड कर रहे हैं वो आइनी और इखलाकी तौर पर आपका हक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी तस्लीम कर चुका है। और नाज़रीन आखिर में ये कहते हैं, चंदा माफिया और इंतज़ामिया के एजेंटों पर नज़र रखते हुए अब इनसे भी किनारा कशी इख्तियार करना होगी। फैसला आपने खुद करना है कि आप अपना हक पाना है या दूसरों के सहारे इस आस और उम्मीद रखते हुए जीते जी मरना है। वसलाम, आपका भाई मियाँ इजहार साहब। एक्चुअली ये कैथारसिस है उनका, उनके जज्बात हैं। बहरहाल उनके अल्फाज के जो इंतहाब है उससे कतई नज़र उन्होंने मौसर तरीके से जो है वो अपना किया है। अब अगर हम बैंक की बात करें तो एक खबर आपको बता रहे हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो वफाकी शरई अदालत ने, बाय द वे आपको खबर दे रहे हैं कि वफाकी शरई अदालत ने जो सूद पर पाबंदी का हुक्म जारी किया था उसके खिलाफ अपील की थी स्टेट बैंक ने और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। ये बात अच्छी है कि आज उन्होंने ये वापस ले ली, लेकिन यही सब कुछ काफ़ी नहीं है, बल्कि गरीब मजलूम मुस्तज़फीन की मदद करना भी जो है वो कार्य सवाब है। नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं मियाँ रशीद साहब के बारे में हमने बताया था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस हवाले से उनका ये ऑडियो मैसेज जो उन्होंने दिया अपने यूट्यूब में, मैं आपको वो सुना देता हूँ, उससे आपको अलाइट बैंक के जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें ये कम अज़ कम अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो इसलिए ना ये मैं आपको, 1 मिनट, एक तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो आ जाती है, ये जरा आप गौर से समाज सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम से आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी बेहतरीन हिफाजत में रखे। आज हमारे जफर साहब वाले केस की तारीख थी सिविल कोर्ट पिशावर में, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो ये कि आज मुझे किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी पड़ी। मेरे तमाम साथी जो थे वो खुद ब खुद अदालत में पहुंच गए और फिर उन्होंने वहाँ से जाके कुछ केस का ऐसा मतलब इंतजाम किया बताने का कि मुझे साथ साथ ही आपको बताता चला गया कि आप ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। दो तीन वीडियोज में मैंने शेयर कर दी, आखिर में जफर साहब की भी वीडियो आ गई जिससे आपको पता चल ही गया है कि आज का जो केस था उसमें जज साहबा ने ये चाहा है कि कुछ मैं रिकॉर्ड ओरिजिनल असली हालत में जो है वो देखना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुहाफ़ खाना से वो तलब कर लिया है और सिर्फ 2 दिन की इसीलिए डेट दी है कि परसों को इस मामले को वो आगे चला सके या जो लफ्ज़ों में कह रहे निपटा सके। तो ये केस इंशाल्लाह ताला सही समझ में जा रहा है। जफर साहब और वो तमाम साथी जो अदालत में आज मौजूद थे वो सारे अपने इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह की से उम्मीद है कि हमारे लिए ये जो इंसाफ है या ये अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे ये इन्होंने बयान किया, ये पिछली डेट की वो है, और जैसे ही ये जो लेटेस्ट जो डेट में जो प्रोग्रेस हुई है उसमें हम आपको जो है ना 2 दिन की डेट के बाद जो हियरिंग हुई है उसकी तमाम तफसीलात जो है वो हम हासिल करके तो वो भी अब आपकी खिदमत में जो है इंशाल्लाह ताला जल्द पेश करेंगे। और नाज़िम अब चूंकि वक्त तवील हो गया है, एक दो खबरें और रह गई हैं लेकिन वो उठा रखते हैं हम अगले वीलॉग के लिए। और तालिब नकवी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका निगेबान। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके, दोबारा कहूँगा कि बेल आइकन को क्लिक करके और का ऑप्शन देना, और अपनी राय से ज़रूर नवाजें। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से ही नहीं बल्कि कमेंट्स में आप अपना लिखा करें ताकि दूसरे लोगों को भी तहरीक हो और पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।